नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी के करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज कुछ तकनीकी कारणों से स्टूडियो में व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को जो है करंट अफेयर्स नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में भेजा जा रहा है। तो कुछ आज और कल की महत्वपूर्ण घटना है जिसे हम यहाँ पर कवर करना चाहेंगे, तो एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईपीएल टीम के जो है संदर्भ में है कि आईपीएल में किसी एक जो है टीम के द्वारा आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। और इसके पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, तो वह 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली थे, जबकि किसी टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम जो है वो रोहित शर्मा है। दूसरी किताब है 400 डेज, ये किसकी पुस्तक है? ये चेतन भगत की पुस्तक है। इसके पूर्व में भी चेतन भगत की कई पुस्तकें हैं जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और यहाँ से रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इनकी किताबों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये डिजिट में कोई ना कोई अंक के साथ होता है, जैसे 5.1 इनकी किताब का नाम था, 3 Mistakes of My Life, तो ये कहीं ना कहीं डिजिट और जो है अंक के माध्यम से ये प्रारंभ होता है। तो चेतन भगत के द्वारा जो लिखी गई इनकी पुस्तक का नाम है 400 डेज, जिसका कि ट्रेलर अभी हाल में ही जो है इन्होंने और इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव, नेशनल ट्राइबल यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो है एक जनजाति क्षेत्र में टैलेंट पूल का जो आयोजन कहाँ किया गया है, उड़ीसा में। इसका उद्देश्य बेसिकली जो है जनजाति क्षेत्रों से जो है जो भी प्रतिभाएं हैं उनको पहचान दिलाना है, उनको चिन्हित करना है, और इस तरीके से जो है यह कार्यक्रम जो है उड़ीसा में आयोजित किया गया, क्योंकि जनजातीय जैसे एक संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो है यह प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी कि नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव जो है ये उड़ीसा में आयोजित किया गया है। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, अभी ध्यान में रखना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर की खोज की गई है और उसका नाम क्या दिया गया है, मैथ्यू हैंसन दिया गया है। तो अगर ये कहा जाए कि चंद्रमा के किस ध्रुव पर है, तो वो दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, वो क्रेटर है, और नाम उसका क्या दिया गया है, मैथ्यू हैंसन, किसके द्वारा दिया गया है, IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन के द्वारा दिया गया है। आर्कटिक की खोज करने के कारण से मैथ्यू हैंसन के नाम पर ही जो है इस क्रेटर का नाम रखा गया है, मैथ्यू हैंसन। तो ये थी जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है घटना। इसी के साथ हम एक और कार्यक्रम देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के जन विकास कार्यक्रम का नाम क्या था, सबकी योजना और सबका विकास कार्यक्रम रखा गया है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के जन विकास कार्यक्रम का नाम क्या है, तो सबकी योजना सबका विकास नाम है। और अभी हाल में ही इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ओरिएंटल जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसके कारण से यह कार्यक्रम अभी हाल फिलहाल में जो है वो चर्चा में था। इसी के आधार पर जो है ये परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जन विकास कार्यक्रम से संबंधित है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसमें एक कार्यक्रम तो ये हो सकता है कि इस योजना का नाम पूछ ले, सबकी योजना सबका विकास, और ये किस जो है क्षेत्र से या किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य के विकास के लिए संचालित किया गया है, तो आप लोगों को बताना होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है ये संचालित किया गया है। अगला है कि भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, भारत का है पहला है अटल सामुदायिक केंद्र, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये जो है वो जयपुर में जो है आयोजित किया गया है, ये जयपुर में जो है केंद्र खोला गया है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में है,
और ये ग्लोबल यानी कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तो आपको इसके माध्यम से एक और जानकारी मिल रही है कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वो राजस्थान के जयपुर में है और यहीं पे जयपुर में जो है भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की भी जो है स्थापना की गई है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे में जो है कवर हो जाते हैं और कई बार एक करंट अफेयर्स के साथ जो है कई सवाल इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा पहला टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, ये जो है वो कटक में की गई है, कटक आपके उड़ीसा में है और यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली मानी जाती है, इसलिए भी ये पूर्व से ही सभी लोगों को जानकारी होगी। तो इसके साथ में इसे आप देख लेंगे कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने जो है टसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है, कौन सा है, पहले नंबर का है, किसके द्वारा किया गया है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया गया है और कहां पर किया गया है, ये उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर किया गया है। तो ये थी आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, ये तब घटनाएं बहुत होती हैं लेकिन हम उन्हीं घटनाओं को जो है अपने इस संक्षिप्त लेक्चर में जो है सम्मिलित करते हैं, जिससे आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल परीक्षा उपयोगी जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम से आपको परिचित करवाया जा सके और आप अपने परंपरागत अध्ययन के साथ साथ जो है इस जो है करंट अफेयर्स को जो कि पिछले एक से दो दिनों में घटित होती है आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो आप अपने परंपरागत टॉपिक के साथ इसका अध्ययन कीजिए और अपने विश्वास के साथ जो अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में जो है अग्रसर रहिए। तो आज के लेक्चर में करंट अफेयर्स के इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।